शुभम त्रिपाठी। तो न्यूज स्टेट पर बाबा बर्फानी की पहली झलक आपको दिखाएंगे। 30 जून से श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा अमरनाथ के दर्शन। कोरोना संकट के चलते 2 साल से यात्रा पर पाबंदी थी, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज स्टेट पर बाबा बर्फानी की पहली झलक, तो अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। और कोरोना संकट के चलते 2 साल से यात्रा पर पाबंदी थी। ये तस्वीरें देखिए, ये दिव्य स्वरूप देखिए उस भव्य शिवलिंग का, जो खुद से वहां पर हर साल प्रकट होते हैं। और बाबा अमरनाथ के दर्शन करिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाबा बर्फानी की ये पहली झलक साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से शिवलिंग को देखा जा सकता है। बर्फ के जो शिवलिंग वहां उभरता है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। बाबा अमरनाथ जो कि सदियों से इसी तरीके से अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते आते हैं, और वो तस्वीर आप देखिए, तो बाबा बर्फानी की ये पहली झलक आप देख सकते हैं। बाबा अमरनाथ के दर्शन 30 जून से श्रद्धालु कर सकेंगे, और ये पहली झलक न्यूज स्टेट के दर्शकों के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर आप ये देख रहे हैं। तो बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो पहुंचेगा और दर्शन करेगा। तो बाबा बर्फानी की ये पहली झलक देखिए, जहां पर साफ तौर पर शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निरहुआ ने की है सीएम योगी से मुलाकात। सीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई है, और भोजपुरी कलाकार आम्रपाली दुबे भी इस दौरान मौजूद रही हैं। तो आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद चुने गए हैं निरहुआ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है यहां पर, और अखिलेश यादव वहां से सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद वो सीट खाली हुई, चुनाव हुआ, और उसके बाद निरहुआ जो पिछला चुनाव वहां से हार गए थे, उन्होंने इस चुनाव में उपचुनाव में यहां से जीत हासिल की है और अब वो सांसद बन गए हैं। तो सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनके साथ में भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली भी मौजूद रही। तो 5 कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है दोनों के बीच, और तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि अब आजमगढ़ के सांसद बन गए हैं, वो सीएम योगी से मिलने गए थे। तो निरहुआ ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, और उन्हें धनुर्धर भगवान राम की प्रतिमा भेंट की, और इस मौके पर निरहुआ के साथ में अन्य कलाकार भी मौजूद रहे। तो मुलाकात के बाद न्यूज स्टेट से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खास बातचीत की। तो निरहुआ ने न्यूज स्टेट से बातचीत की है, और आपको बता दें आजमगढ़ से सांसद चुनने के बाद वो मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, और न्यूज स्टेट से उन्होंने बातचीत की, और लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की डबल जीत पर निरहुआ ने कहा है कि ये पीएम मोदी और सीएम योगी की जीत है, और बीजेपी की कुशल नीतियों से समाजवादी पार्टी का किला ढह गया है। आजमगढ़ को ध्वस्त करने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय में, संगठन के महामंत्री संगठन के सुनील बंसल जी गरीब है, क्योंकि वो किला ऐसा था ढहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मिशन नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी सरकार की है, जो गांव गांव में पहुंची है, जो लाभार्थी जो उसके हैं, उस वजह से ही ये संभव हो पाया। नहीं तो लड़ाई तो बहुत हुई है। चुनाव के दौरान हमने देखा कि कुछ भव्य कमेंट्स किए गए आपके ऊपर, कमेंट्स आप सुनते थे तो कैसा लगता था इलेक्शन के दौरान? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं जानता था कि यही उनको हार दिलाएगा और यही चीज उनको जीत दिलाएगी, क्योंकि जो जनता है जिस वजह से मुझे प्यार करती है उसी पे अगर आप भद्दी टिप्पणी करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता में भी रोष आ गया, और जनता के साथ साथ जो हमारा कलाकार वर्ग है मुंबई से लेके आजमगढ़ तक, पूरे उत्तर प्रदेश बिहार जहां से भी सब लोग अपने अपने टिकट पे आके आजमगढ़ में पहुंच गए और बोले कि अगर ये सपा वाले हम कलाकारों का ऐसे अपमान करेंगे तो इनको हम लोग भी दिखाएंगे, तो जलवा बनाया कलाकारों ने आके आजमगढ़ में। फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है, जो टीम है,
उन्होंने मेहनत किया और ये परिणाम आए। आप उस जिले से आते हैं जो कह सकते हैं कि बहुत पिछड़ा जिला माना जाता है, पिछले पांच सालों में जिले की तस्वीर बदल रही है, कोशिश क्या प्राथमिकताएं होंगी और आपके पास अब आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व है? जी बिल्कुल, अब जो है हम लोगों के सामने ज्यादा समस्या इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमारे पिछली योगी आदित्यनाथ जी का जो है विशेष फोकस है क्षेत्र पे कि वहाँ जो है विकास यहाँ नहीं हुआ है, वहाँ और ज्यादा विकास किया जाए तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वहाँ रफ्तार पकड़ लेगा। बहुत रफ्तार पकड़ लिया, बनारस रफ्तार पकड़ लिया। ये आजमगढ़ का जो डब्बा था वो डबल इंजन से थोड़ा अलग बैठा हुआ था, अब जब इसको भी डबल इंजन में जोड़ दिया गया तो आप रफ्तार पकड़ लेगा। चलिए, थैंक यू। तो न्यूज़ स्टेट से